जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका जब PHT होगा इस बार तो आपका वेट भी मापा जाएगा। तो आपका वेट कितना होना चाहिए, और ये वेट जो होता है आपकी एज और हाइट पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट इतनी है और आपका एज इतना है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखा बताया गया है कि आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है और इसमें आपका वेट भी देखा जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आपका 1600 मीटर की इसमें रेस होने वाली है। मेल कैंडिडेट वालों की 10 मिनट का टाइम मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट को 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो वेट के ऊपर है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहली चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपका वेट अभी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेडिकल के टाइम पे आपका वेट सही होना चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप ये चार्ट देख रहे हैं और ये मेडिकल के लिए है चार्ट, जो कि हमारे पास PDF है। किस तरीके से क्या होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो भी पूरे शरीर की चेकअप होती है जो मेडिकल होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये पूरा आप लोगों का है जैसा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कहाँ पर आपकी पॉइंट मिलते हैं, किस तरीके से आपका होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास PDF है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से चेकअप होता है और इसमें कैसे आप इसको देख सकते हैं कि हमारा सही है गलत है जो भी चीज़ें। तो ये आज का विषय हमारा नहीं है कि हम मेडिकल में कैसा क्या होना चाहिए। आज का हमारा जो विषय है केवल वेट के ऊपर है कि हम वेट मेरा कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मेरे एज इतनी है, हाइट हमारी इतनी है, तो वेट हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने इसको PDF को डाउनलोड कर रखा हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहे और ये लगे नहीं तो पता चला कि हमने कुछ दूसरा आपको बता दिया, आपने कुछ दूसरा देख लिया, आपको कहीं दूसरा कुछ नॉलेज मिल गया। तो हम ये नहीं चाहते हैं, आपको बस जो चीज़ है, जो अच्छी जानकारी है, जो सही है, उसी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं, अन्यथा नहीं बताते हैं। तो आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों को हम इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आपका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ करके आप लोगों को बताते हैं। तो पेज जो आप देख सकते हैं 100 पेज का है ये PDF। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये चार्ट है ये मेल कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है, ये जो चार्ट है ये मेल कैंडिडेट वालों के लिए है। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं और आपको हम एक एक चित्र दिखाते हैं। देख सकते हैं, मेल एवरेज बॉडी वेट एंड किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर में दिया गया है और यहाँ पर एज दिया गया है, ये 18 से 22 वर्ष है, यहाँ पर 23 से 27 वर्ष है, और यहाँ से 28 से 32 है, और यहाँ से 33 से 37 है, यानी कि किस किस एज, यदि आप 18 से 22 के बीच में हैं, चाहे 18 हो चाहे 19 हो चाहे 20 हो चाहे 21 हो चाहे 22 हो, तो आपका यहाँ पर चार्ट दिया गया है। आप 23 से 27 के बीच में हैं तो आप इसको देख सकते हैं, आप 28 से 32 के बीच में तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक ही चीज़ करके आपको बताते हैं। जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा तो वेट, इसमें हाइट तो हमको बताना नहीं है क्योंकि 170 सेंटीमीटर से को नहीं मांगा गया है। ठीक है, कुछ लोगों को छूट मिलती है 168 का, तो हम 168 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 168 से स्टार्ट करते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको आसानी रहेगी, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आप चलिए हम एक चीज़ करके आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है, आपकी हाइट आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटीमीटर में पता होना चाहिए, ठीक है, इंच में नहीं, फीट और इंच में नहीं होना चाहिए। आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है और आपकी जो एज है 18 से 22 वर्ष के बीच में है, तो आपका मिनिमम 51 और मैक्सिमम आपका 62 kg के बीच, 62 kg होना चाहिए, यानी कि 51 से लेकर 62 के बीच में है, तो आपका वेट बहुत अच्छा है। उसके बाद आप 23 से प्लस हो चुके हैं, ठीक है, 23 से प्लस हो यानी 27 के बीच में है, तो आपको 52.5 से 64.5 kg के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम 170 सेंटीमीटर वालों की। यदि आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है और आपका 18 से 22 के बीच में है, तो आपका मिनिमम 52 kg होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 64 kg होना चाहिए। यदि आपकी हाइट जो है वो आपकी 23 हो चुकी है, ठीक है, 23 हो चुकी है यानी 23 से 28 के बीच में, तो आपका 55.5 से लेकर 67.5 kg के बीच होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपका 55.5, मैक्सिमम आपका 67.5 kg होना चाहिए।
यदि आपकी हाइट 174 सेंटीमीटर है और आपका एज जो है 18 से 22 के बीच में है, तो आपका 55 से 67 केजी के बीच होना चाहिए, मिनिमम 55 मैक्सिमम 67। उसके बाद यदि आप 23 से 27 के बीच में है, तो आपका एज जो हाइट होनी सॉरी जो आपका वेट होना चाहिए मिनिमम वो 57 केजी और मैक्सिमम आपका 70 केजी होना चाहिए। यदि आप 176 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है और आपका एज जो है 18 से 22 के बीच में, तो मिनिमम केजी आपकी 56.5 केजी से लेकर 69 केजी के बीच होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में हैं, तो आपका वेट 58.5 से 71.5 केजी के बीच होना चाहिए। यदि आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर है और आप 18 से 22 के बीच में हैं, तो आपका वेट जो होना चाहिए 57.5 केजी से लेकर 70.5 केजी के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं 23 से 27 के बीच में, तो 60 से लेकर 73 के बीच आपका वेट होना चाहिए। यदि आपका हाइट 180 सेंटीमीटर है और आप 18 से 22 वर्ष के बीच में, तो 59 केजी मिनिमम और 72 केजी तक होना चाहिए, यानी कि 59 से 72 तक आपका वेट होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में हैं, तो 61 से 75 के बीच होना चाहिए। तो ये आपका होगा मेल कैंडिडेट वालों के लिए। अब चलते हैं फीमेल वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं फीमेल के लिए है, और यहाँ पर भी वही चीज़ें दी हुई हैं। चलिए आप इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपका जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर है और आप 18 से 22 के बीच में हैं, तो आपका मिनिमम केजी जो होना चाहिए 36.5 केजी से लेकर 45 के बीच होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में हैं, तो 37.5 से लेकर 45 के बीच होना चाहिए। यदि आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर है, तो आपका मिनिमम जो आपकी वेट होनी चाहिए 38 से लेकर 46 के बीच होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में, तो 39 से लेकर 48 के बीच होना चाहिए। यदि आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो आप 18 से 22 के बीच में, तो आपका 38.5 से लेकर 47.5 के बीच होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में हैं, तो आपका 40 से लेकर 49 के बीच होना चाहिए आपका वेट। यदि आप 158 सेंटीमीटर हैं और आप 18 से 22 के एज है आपकी, यानी कि 18 से 22 के बीच में, तो 45 से लेकर 49.5 के बीच आपका वेट होना चाहिए। 23 से 27 के बीच में है, तो आपका 52 से लेकर 51 के बीच होना चाहिए। यदि आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आपका 41.5 से लेकर 50 के बीच आपका वेट होना चाहिए। और 23 से 27 के बीच आपका एज है, तो आपका 43 से लेकर 52 के बीच होना चाहिए आपका वेट। ये आपका वेट का चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। पहली चीज़ आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका वेट तो नापा जाएगा आपका PHT के टाइम पर। यदि आपका इससे कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको PHT के टाइम पर नहीं निकाला जाएगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आपका ये चीज़ें कब मायने रखती है, जब आपका मेडिकल होता है। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं, ये मेडिकल का ही जो PDF है, किस तरीके से मेडिकल होता है, कहाँ कहाँ पर जाँच होती है, कहाँ कहाँ पॉइंट हमको मिलता है, किस तरीके से चेक किया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरे पेज में यही चीज़ दी गई है कब क्या होनी चाहिए। जैसा कि 100 पेज का हमारा PDF है, जो आपके मेडिकल के लिए ही देखा जाएगा, और मेडिकल में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से चेक किया जाता है, कहाँ पर देखा जाता है, कहाँ पॉइंट मिलता है, किस तरीके सही होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने सोचा कि इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएं और आप लोगों को समझा सकें। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को यदि आपके PHT के टाइम में कोई दिक्कत, यदि आपका ज़्यादा कम हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि आपका वेट कितना है, कम है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बस आपका क्या होना चाहिए कि मेडिकल के टाइम पे आपका सब कुछ सही होना चाहिए, कहाँ पर देख लिए कितने मैक्सिमम टोटल पॉइंट मिलते हैं। यदि आपको इतना मिल जाता है 22 पॉइंट, तो हो सकता है बाहर निकाल दिया जाए। ये सब चीज़ें टैटू, दांत, और यहाँ पर नाक के बीच में कैसे नसें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये सब चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं, और यहीं पर आपको ये सब देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको वेट को लेकर, कितना वेट होना चाहिए कितना वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना देख लिए होंगे, PHT में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब आपका मेडिकल होगा, उस टाइम पे आप अपना सब कुछ सही कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।